बिना देव दिया मैं पढ़े प्रेम तुला आ रहा है नीगर ताज का प्रेम तुला आ रहा है पी बदन प्रसाद प्रेम तुला आ रहा है नीगर तेरे मुशायर बदलकर हमारा चीज दे रहे हैं उन्हें देने के स्तर ना आ रहा है सामने ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਹਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ माशाल्लाह आस्थाना दी रौनक दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत बहुत बीमारी लाचारी परेशानियां इन्होंने भी उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती आस्थाने जी तो देनी चाहिए लेकिन ये भी किसी वेखता है कि हर साल उससे शरीफ मिलाद शरीफ और आम रोजमर्रा दिया रौनक बढ़ रही है ऐसे उसे गौर करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त इतने बैठे रहते हैं और उनका ख्याल होता है कि लोग ज्यादा तो ज्यादा उनको रहा लेकिन नहीं आते कई भजते रहते लोग फिर भी पूछे आते हर साल पाक रहे पुकार रहे तो वाकया सी एक दिन आपने फरमाया दिन जो आज इतने नहीं रहना आज चंगी चल जाना है तो जिते वो छे महीने पाई है ना जी विशा उसे भी कभी फरमा दस छे महीने पे आप तीन रह गए आपने अपने से बोलते हुए शफीकिया ने मैंने गल सुनाई हम बेहतर क्योंकि मेरे कम गल लिखी नहीं है इस दूसरा उन्हें मैंने सुनाई तो मैं दसा कि शफीक साहब साहब तो हरी रोजान का थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग पी तो उन्होंने एक ने एक पास चादर पढ़ ली एक ने एक पास चादर कि आप बोलते भी हमें ना हो कोई पैदल पे आंदा है कोई मोटर कार से आंदा है कोई किसी चीज से आंदा पे है आपने फरमाया बेलियो अल्लाह का बंदा किसी थां से जा के बह जाए ना अल्लाह के मौके दे देता है अल्लाह का बंदा कहे तो चले तो ये गल होती है किसी ने पायल कीतिया को पायल होना नहीं ते जिधर अल्लाह के मौका दिता होगा लोगों ने उसमें किधर मरना है आज दूसरा बच्चे आके बह लो अकेले लिए के आप पक्के भी लगे मौसम भी अच्छा है तो किसी को बाकी बेटियां जिन्होंने घर खुशियां आईया उन्होंने मुबारक ने दो चार गल्लां मैं करना चाहता सा रात मेरी कुछ तबीयत ठीक ना रही शुगर बड़ी ज्यादा चली गई दिल में घबरा पैन लग पाया मैं आख्या कि फिर सुबह तक मैं ना कर सकिया सेहत की खराबी की वजह तो मैं नुकते कुछ लिख के रखते मैं किसी देरी में आखा नहीं तो जाके पढ़ लगे लेकिन सुबह राम बोलेगा बेहतर हो गई इस कदर के मैं आया बैठा तबीयत मेरी रीता नहीं दुआ फरमा करो पहले
पहली गल भी अज के दिन की रिश्वत ना खुशबू गल्ला करांगा जिहड़ियां बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह साहब रहमत उल्लाह अलैह दे शख्सियत का हिस्सा सी ते पुराने बेली सब जानते हैं मैं लिखा है कि जुर्म के खिलाफ सारे बेली इकट्ठे हो जाओ पर मजलूम नसा पहला जो थोड़े तो कोई जुर्म करता है कोई बेअदबी करता है कोई कोई सही तरीके नहीं अमल करता थोड़ी इज्जत वाल कोई झाकता है उस वक्त तुम सब मुतहद हो मैं ये चाहना कि हजरत करने वाला शख्स एक जिस्म हो अगर कोई मामला हाजी शरीफ साहब में पेश आया तो वो इन्हों का मामला नहीं उस सब का मामला और जेड़े बोटे भी इतिहाद करेंगे जुलम के खिलाफ आवाज चुकेंगे असी उन्होंने जेड़े जालम ने जेड़े ज्यादतियां करते हैं जेड़े चंगे बेलिया आते हैं वे भैड़े ने और भैड़िया हम कुछ दिन पहले एक जगह पर मैं जनीक साहब में बैठे ने इन्होंने मालूम किया और शफीक साहब ने मैं क्या कि इन्होंने उठे ला दो पाक बच्चे साढ़े किसी बड़े ही प्यारे बंदे ने आख्या कि मेरे गाने ये तो बाहर चला जाएगा फिर असं जिस जगह दिल करांगे ला देंगे तो शफीक साहब अपनी थान को भजना नहीं बंदा मर जाए अपनी थान को पिछे ना हटे शफीक जमीन भी चला दी कोई नाराजगी नहीं लेकिन अगर कोई चक्कर चला के मोती आना चाहता है ये काम हम जमीन नहीं होना ये पूरा आस्थाना तेरे खिलाफ हो जाएगा हूँ तू काम कर दिन का काम कर तेन जिस जगह से बिठा दें तीसरा जो भी मरने वाले इससे ज्यादा नशीन तीसरा खिलाफ क्या था इन्हों को कुछ लोग परेशान कर रहे उसके उन्होंने सामने खड़े हो जाते थी क्या किसी को नहीं पता कि अहमद अली कितना बड़ा झूठा और खाइन इंसान है हर शख्स ने तो धोखा देना है अजकल बाबा साहब उसे जो है काम से लगता है आसमाना मानू जितना है वो थोड़ा है उसके खड़े तुम होना है ऐसा मुझे भेज के मैं आप जाके भी पहुंचे कर सकना मजबूती लेकिन मैं चाहना तुम अपने पैरों से लो और अपनी जगह में किसी और वास्ते इस्तेमाल ना कर दे थोड़ा भी इंसान है अलग करने वाला जी अगर वो इस उन्होंने कोई हो गए तो वो करो ये ना लोग मैं फलाना साहब आ गए हैं फलाना साहब आ गए हैं तो क्या ना दिल ने आख्या है कि फलाने ने आख्या शरारती से मेरे ना जाओ फिर आख्या हजूर शख्स से बड़ा ही मुद्दा इंसान हम आपकी तबीयत जला गया आपने आख्या गले वे अगर गल आपने आख्या गले वे तू पर जो शख्स ना खाना खाता है कभी नहीं फरमाया कभी उन्हें सफर किया नहीं सरकार फरमाया कभी उन्होंने मामला किया है मामला होगा कारोबार लेना देना आखिर अगर नहीं सरकारों में नहीं किया आपने फरमाया फिर तेरे को पता है कि बंदा चंगा है कि माड़ा
भी मैं चीज देने लगा देख लो थोड़े काम आएगी। किसी बंदे की असल पहचान नहीं हो गए सफर करके बैठे इन्हें को सफर है वो असर है निकल ही आए। दूसरी गल दूसरी चीज ये वे खाना खा के बैठे किन्ने आदाब ने उन्हें ईमानदारी दे किन्ने आदाब ने उन्हें जरा खाना खिला दे ये खाना खान दे ये पता लग जाएगा दूसरी गल तो। और तीसरी गल निहायत जरूरी आपने फरमाया भी मामला करते हुए कुछ लै दे के देखो तो दो चार साल गुजारो इस तरह देन च कैसा है लैन च कैसा है वादे का कैसा है बिल्कुल पता लगता है। ये तीन चीजा तुसी दी अपने जेड़ा ना वो हिसाब किताब लिख लो इस तरीके ने पहचाने करो जिमें साढ़े अकाबरीन जिमें साढ़े बुजुर्ग पहचाने। तो मैं गल याद आ गई नबी पाक की हदीसे पा के भरावान तरह रहो तो मामला वैर तरह करो हर चीज के खरीद है ये जी चीजा ने पता लगता है कि बंदा कह रहा है जरा सरासर हो झूठा दसा बंद पहले उन्हें ठगया हो ग्यारह ठगे टुरया हो उसके उत्ते ना फिर वो इतमाद कर लेना वो तो फिर अपनी ही गलती है। मेरी आदत है कि जो मैं कोई अमल पेश करा या किसी चीज का हल कोशिश करा तलाश करने की तो मैं वो नुक्ते बना लेना। कुछ लोग ये भी आते हैं कि फलाना फलाने की डिप्रेशन से चलता है मैं जरा वो किसी की डिप्रेशन से चल रहा मिसाल के तौर पर दो बजे की डिप्रेशन से जरा भी नाल होता बेमसूस वो तो ज्यादा ना आता है क्योंकि मिजाज उन्नी बहुत है साधा। मैं अगर चलना किसी डिप्रेशन से तो हर साहब मेरे को आने मैं नहीं तबीर दीन वास्ते बहुत मेहनत है पीर भी बैठे ने पीर सरफराज शाह साहब ने बड़ी मेहनत की हुई है और अताउल्लाह साहब बैठे ने दीगर वो बेदी बैठा है बिहारी तो दूए तो अनवारुल्लाह बैठा है यदा भी कोई है हाजी साहब बैठे ने हाजी अकबर साहब आप नहीं कर सकते तो करवाण तो जरूरी है। दूसरी गल ये कि कुछ लोग ऐसे ने जेड़े हजरत मोहम्मद अशरीफ हूँ धड़िया से तकसीम करने के प्रोग्राम ये तो नहीं होना मेरे मेरे साहब ने यह हूं भी देना जेड़ा इस तरह करेगा वो कुछ लिया जाए तो याद रखना मेरे साहब की ताकत है वो बंदा कुछ लिया जाए तो तबीब के लिए और मिला दे पा दूसरी गल है कि दो अपना प्रोग्राम कराते सारे मिलाने का शरीफ कदा आ गया हूँ जो है आंदा तो एक दिन मिलाने का अभी कराया साढ़े को गलती हुई कुछ शरीफ कराया तो लोग तंग हुए परेशान हुए मैं तो नहीं चाहता सा कि एक दिन का साडा सिलसिला बने लेकिन कुछ मैं इस तरह के मौजूद लोगों की सिफारिश थी तो तुम एक दिन का ही करो एक दिन के ना बेटियों को लाया गया जगह थोड़ी सी ना बेटियों को ब्याह गया ना मैं थोड़े ना गल पता कर सके मैंने भी तो शौक होगा ना मैं थोड़े गल पता कर मेरा शौक भी उन्हें रह गया लिहाजा अगों एक काम तय करने के मिलादे पाक और कुरश शरीफ इकट्ठा कर देना मिलादे पाक में कुरश शरीफ ताकि लोगों को कराने का आम जान दाना हो गया और पांच दिन च करना काम पांच दिन च करना एक दिन लोग थक जाते लोगों को धक्के पै लोगों चोटा आई और मैं पता लगे घर ऐसा चीजा वा ये ठीक है ना जी जी यार सुन पांच दिन जब करांगे तो सोना रह जाएगा सुभान अल्लाह बाकी सारे देखिए थक जा रहे हैं
जेड़े आके मिलते नहीं उन्हां वास्ते बहुत दुआवां ने, जेड़े नहीं लगते उन्हां वास्ते भी दुआवां ने। लेकिन असी अपना राह जरा सीधा साहब वाला नहीं छड़ना, इतने उ निजाम रहेगा जरा मेरे प्यारे साहब का निजाम से जरा सही उस्मानी शाह साहब रहमत निजाम से कुछ लोगों ने एक उधर बनाया जिथे फुल ने उसे कंडे भी ने ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ कोई होर आके मैं छोटा जिहा मैं जिहड़े जमे मामलात ने ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਤਸੱਲਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਬੇਬੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੇਬੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ, ਸਮਝਣੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੇਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ
अच्छा जी, अल्लाह तबारक वतआला उन्होंने बड़ा बड़ा दुनिया राखर देते अल्लाह तआला उन्होंने बड़ा अजर दिया। आमीन। मेरी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, मैं एक जगह से बह नहीं जाता, बहुत बहुत मैं बहुत भी शिकायत होती है, लेकिन अब थोड़िया दुआवान नाल और हल साहब के तसरफ ना मैं आना सही मिलना सी। इंशाल्लाह सी मीटिंग का आगाज शुरू कर देंगे जू ही मैं वापस आया, और इंशाल्लाह साल दो साल के मैं लगता है कि सिलसिला बड़ा होएगा। और मैं ये दसो भी तब्दीली मामला 25,000 तक गया सी बेलिया का, कोशिश करो कि बढ़ जाए, तो जो नहीं बढ़ सकता असं इतने बह जाएंगे बेड़ा पार हो जाएगा, भावे बह के कुछ भी ना करे, जेड़ा इसको लह जाएगा वो तो फिर बड़े बड़े गर्व। ठीक है, मैं शायद दसांगा कुछ शरारती बेलियां के नाम भी जिन्होंने साढ़े आस्थान ने बहुत काम किया, मैं इंशाला जो वापस आवागा मैं जरूर दसागा, क्योंकि मैं किसी को डर नहीं, सवा अपने अल्लाह तबारक वताला दे नबी पाक दे और सिलसिले वालों के सब पाक सुधार, इंशाला दसागा सब एक ही दसागा, फिर थोड़े वास्ते होगा कि तुम तलक रखो या ना रखो, क्योंकि थोड़ा आस्थाना बेहतरीन है मैं दूसरी प्रांतवा चला वा, मेरे तो बाद एक गल अबा जी की सी इन्हों की हकीम शाह ने दसा जो इस तरीके ना भी साहब अपने सिलसिले दाखिल करते सन, मैं एक बार दस देना उस तो बाद अपने नाल दे बेलियां को पीर भाइयों को चंगी तरह सीख लो, इतने बेली जो भी समझा देंगे। पहली गल तो ये पिछली रात उठना है अजान तो कुछ चिर पहले, और फिर इसे तरह 12 नफर पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप भी बार बार पनाह पेश करते रहे दहाई इंतजारी मसवाक की हो ताकि साढ़े मुँह चलो दूर बात पढ़ने लगे किसी किस्म की कोई बदबू वगैरह ना आए। और दूसरा दुरूशी पढ़ के 500 बारी यही गल दस्या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम एक पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही बिनाज की जो इंतजारी में नजराना पेश करते हैं फिर अपने दोनों दिन मंगनिया मंगो जे इसके उत्ते लग गए तो फिर फकत अल्लाह ने रजाई बना मंगोगे। दूसरी गल कुछ लोगों ने गल की ये तो सिर्फ गुरू शरीफ और नवाफा ही दसते हैं होर तो भी दसते ही हरसा पाक है कोई बड़े बड़े हैं पहले ऐसे पक्के तो होता नहीं फिर भी दसी हरसा पाक तो कुछ दसते सन कि बंदा आ जाते हैं तो कर कितने ना कितने अपना लो तुसी फिर ऐसा कुछ चलाओ थले पैजे